बस में कहासुनी के बाद पति अपनी पत्नी को हल्द्वानी बस अड्डे पर छोड़कर बागेश्वर घर चला गया। जब पति बहुत देर तक नहीं पहुंचा तो पत्नी रोते हुए कोतवाली पहुंची। महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की। महिला ने बताया कि उसका पति गरुड़ बागेश्वर का रहने वाला है और दिल्ली के एक होटल में नौकरी करता है। वो उसके साथ ही रहती है और दोनों दिल्ली से बागेश्वर के लिए निकले थे। बस में सवार दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। उनकी बस हल्द्वानी डिपो पहुंची तो पति पत्नी को ये बोलकर गायब हो गया कि कुछ देर में लौट आएगा। 3 घंटे महिला बस में बैठी रही। जब वो नहीं पहुंचा तो महिला रोते हुए कोतवाली पहुंची। पुलिस ने वीडियो कॉल पर पत्नी से बात कराई लेकिन पति पत्नी को ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद महिला ने पति के खिलाफ तहरीर दी है। महिला ने बताया कि पति की दूसरी शादी हुई है, इसी को लेकर बस में विवाद हुआ था।